हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अपनी कक्षा, और मैं शर्मा आज आपको पढ़ाने वाला हूँ C++। तो हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर घुस चुके हैं, हमने एरेस पढ़ लिया है, पॉइंटर्स पढ़ लिया है। तो एरेस का बहुत बड़ा हमारा सारा था सर्चिंग सॉर्टिंग का, वो हमने कर लिया है। अब जो पॉइंटर हमने पढ़ा था उसके बेसिस पे अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लिंक लिस्ट टैक्स एंड क्यू। तो अगर पॉइंटर समझ नहीं आया होगा तो आपको ये समझ नहीं आएगा, तो आप पहले पॉइंटर की वीडियो देख लो। अगर आपको पॉइंटर की वीडियो अच्छे से आ गई है तो आप ये वीडियो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसके अंदर हमें कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने हैं और कुछ ही इसके क्वेश्चन आने हैं। डोमेन बहुत छोटा है लेकिन समझने में थोड़ा टफ है, क्योंकि जो डेटा स्ट्रक्चर आपका ये है, प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर आ रहे हैं आपके, ये हम खुद से बनाएंगे पूरे। जैसे एरे आपका प्री डिफाइंड होता है, ये हमें खुद बनाना पड़ेगा, यूजर डिफाइंड होगा। तो इसके अंदर आपके कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं यहाँ पर, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स, वो देखेंगे क्या होता है, और आपका सिंगली लिंक लिस्ट, नीड फॉर लिंक लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज। तो ये सारे टॉपिक है इसके अंदर। मेन आपका स्टैक्स और क्यूज के अंदर से आएगा, लिंक लिस्ट की कॉम्बिनेशन के साथ, इसके अंदर आपको स्टैक और क्यू बनाने होंगे लिंक लिस्ट से, ठीक है। तो वो लास्ट में आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा और उनको करके दिखाऊंगा, तो वो क्वेश्चंस जब करेंगे तो वैसे ही पेपर में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर से पहले हम ये देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर ही क्या होता है। तो स्ट्रक्चर हमने पढ़ रखा है, स्ट्रक्चर बना रहे थे हम जब से स्ट्रक्ट करके। तो ऐसे एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट है, ठीक है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट है, और उसके अंदर हमारा कुछ डेटा रखा हुआ है स्टूडेंट का। ये हमारा नॉर्मल एक स्ट्रक्चर होता था, लेकिन अब एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जो खुद को रेफरेंस कर रहा हो, रेफरेंस मतलब वही एड्रेस वाला कर रहा हो, यानी एक ऐसा पॉइंटर होगा यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर के अंदर। सेल्फ रेफरेंशियल है ना, खुद को रेफरेंस कर रहा होगा, सेल्फ यानी इसी स्ट्रक्चर के अंदर एक पॉइंटर होगा, एक पॉइंटर होगा, उसका मान नाम मान लेते हैं PTR या P, कुछ भी मान सकते हैं, PTR मान लिया मान लो। और ये पॉइंटर किसका एड्रेस स्टोर करेगा, अगर इंट का करेगा तो मैं यहाँ इंट लगा दूंगा, कैर का करेगा तो मैं यहाँ कैर लगा दूंगा, लेकिन ये पॉइंटर जो है वो किसी स्ट्रक्चर का ही एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। और वो कैसा स्ट्रक्चर होगा, वो यही खुद ही यही वाला स्ट्रक्चर होगा। तो किस डेटा टाइप का ये एड्रेस स्टोर करने वाला है, एक स्टूडेंट टाइप के डेटा टाइप का। तो स्टूडेंट PTR बना लिया मैंने एक, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा आपको क्या कि ये स्टूडेंट PTR क्या है। स्टूडेंट अब एक डेटा टाइप बन चुका है ना, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही तो है, तो स्टूडेंट अब एक डेटा टाइप बन चुका है। तो ये स्टार PTR किसका एड्रेस सेव करने वाला है, इस एक किसी भी स्टूडेंट टाइप के डेटा टाइप का ये एड्रेस स्टोर करने वाला है। अब ये खुद का एड्रेस स्टोर कर सकता है, इसे खुद का एड्रेस स्टोर कराने के लिए मेरे को कैसे लिखना पड़ेगा, जब मैं बाहर मान लो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मान लो एक एस ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, तो लिख सकता हूँ s.ptr किसको किसका एड्रेस ले हमारे एस का। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ s.ptr = m%s, इसके अंदर एस के PTR के अंदर एस का एड्रेस आ जाए, ठीक है। तो ये इसने क्या करा, अपना एड्रेस स्टोर करके रख लिया, यानी जब स्ट्रक्चर के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो डेटा और खुद का एड्रेस भी है उसके पास अब, ठीक है। तो ये किस काम आएगा वो हम आगे देखेंगे, लेकिन सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर ये होता है जो खुद को ही रेफर कर रहा हो। खुद को रेफर कैसे कर रहा है, यहाँ पर एक पॉइंटर है जो इसका खुद ही का एड्रेस स्टोर कर रहा है, एस था तो इसने खुद का एड्रेस स्टोर कर रखा है एस का, ठीक है। अब सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दे रखा है, PTR से पॉइंटर विच स्टोर द एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर स्टूडेंट इटसेल्फ, स्टूडेंट का खुद का ही एड्रेस वो स्टोर करेगा। अब इससे हम आगे देखेंगे कि इससे हम लिंक लिस्ट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो मेमोरी का हमें पता ही है, पॉइंटर हमने अच्छे से पढ़ रखा है, कैसे मेमोरी को हम मैनिपुलेट करते हैं पॉइंटर्स के थ्रू। आपका नेक्स्ट टॉपिक में रखा है लिंकिंग टू नोड्स, तो नोड या फिर ऑब्जेक्ट्स, यानी हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में लिंक करा देंगे। जैसे ये हम लिंकिंग के लिए इस पॉइंटर को ही यूज़ करेंगे, जैसे अभी ये पॉइंटर खुद का एड्रेस स्टोर करा रहा था ना, हम इस पॉइंटर के अंदर किसी और का एड्रेस स्टोर करा देंगे, वो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर एक लिंक लिस्ट बनी है, लिंक लिस्ट कैसे बन रही है वो देखो नीचे। एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट है आपका इन डेटा, उसके अंदर एक पॉइंटर है नेक्स्ट नाम का, ये नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट आगे देखो क्या करेगा। तो इसके तीन ऑब्जेक्ट हैं, लैला, मुन्नी और शीला, ये आपके तीन स्टूडेंट हैं। तो लैला डॉट नेक्स्ट, लैला के अंदर जो नेक्स्ट है ये नेक्स्ट पॉइंटर, इसमें किसका एड्रेस गया है, किसका एड्रेस गया, देखो ध्यान से, मुन्नी का एड्रेस गया है। तो हम तीनों स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो हमारे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारे स्ट्रक्चर हो गए। तो लैला के नेक्स्ट के अंदर हमने मुन्नी का एड्रेस स्टोर करा लिया, तो यानी इसके अंदर जो नेक्स्ट है उसके अंदर किसका एड्रेस है, या फिर वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो मुन्नी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और मुन्नी का डॉट नेक्स्ट है उसको हमने शीला पे पॉइंट करा दिया है, तो इसका जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट कर रहा है, पॉइंट मतलब वही की एड्रेस स्टोर करके बैठा है वो शीला को पॉइंट कर रहा है। तो अभी आपस में कनेक्ट हो गए, क्योंकि अगर मैं लैला के ऑब्जेक्ट में हूँ तो मेरे को ये पता है कि मुन्नी का ऑब्जेक्ट कहाँ है, क्यों, क्योंकि मेरे पास मुन्नी के ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। मैं लैला है बैठा हूँ, मेरे को शीला तक जाना है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ, लैला के अंदर
मुन्नी का एड्रेस है तो मैं लैला के नेक्स्ट से मुन्नी पे जाऊँगा, मुन्नी के अंदर शीला का एड्रेस है, मुन्नी के नेक्स्ट से मैं शीला पे चला जाऊँगा। तो ये नाम छोड़ो, आप कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि नेक्स्ट के अंदर आप एड्रेस छोड़ रहे हैं आगे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखा लैला एंड मुन्नी एंड मुन्नी एंड शीला कनेक्टेड टू ईच अदर नाउ, तो अभी कनेक्ट हो चुके हैं आपस में, ठीक है। अब ऐसे ही कनेक्ट करके हम एक लिंक लिस्ट बनाएंगे, यहाँ से देखोगे तो ये आपस में लिंक हो चुके हैं। इनको लिंक करने के लिए हम क्या लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इसके PTR के अंदर इसका एड्रेस शो कराया था तो मैं यहाँ पर कर दूंगा s.ptr, या फिर नाम लिख देते हैं इसी वस्तु जिसका भी मेरे को एड्रेस शो कराना है सब्जेक्ट का नाम, ठीक है। अब कंसेप्ट समझ आ गया, अब सिंटैक्स पे ध्यान देते हैं। अब सिंटैक्स आपका थोड़ा यहाँ समझना इंपॉर्टेंट है। ये जो सारा सिंटैक्स लिखा है इसमें काफ़ी मिस्टेक्स हैं, क्यों? क्योंकि ये आपका कन्वेंशनल मेथड है जो हम नॉर्मल इंट वगैरह पे लगा सकते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा पॉइंटर आ जाता है तो कुछ चेंजेस आएंगे यहाँ पर। क्या चेंजेस आएंगे? सबसे पहला चेंज आपका आएगा कि जितने भी ये वाले ऑब्जेक्ट होंगे वो आपको पॉइंटर बनाने पड़ेंगे। दूसरा चेंज क्या आएगा? जब भी आपका एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट होगा, ये भी आपके पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, जब भी आपका एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट होगा आप उसको ऐसे कॉल नहीं करोगे, उसको कैसे करना है? नॉर्मल मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एच, तो आपका एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है और आपका पॉइंटर ऑब्जेक्ट है। तो अगर मेरे को एच से डेटा लेना है तो मैं लिखूँगा एच डॉट डेटा और उसकी वैल्यू मान लो 5 कर दी, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को एस का डेटा लेना है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? एस डॉट नहीं आएगा, इसके अंदर आता है आपका एरो ऑपरेटर, तो आपको एरो बनाना है, ठीक है। ये आपका ऐसे नहीं बनता, ये आपका असलियत में बनता है डैश और एंगल ब्रैकेट से, ठीक है। तो एस अब ये डॉट की तरह काम करेगा, इसका और डॉट का काम सेम है, बस अंतर क्या है, जब पॉइंटर वाला ऑब्जेक्ट होगा आपको डॉट की जगह ये यूज़ करना है, जब नॉर्मल ऑब्जेक्ट होगा तो आपको डॉट यूज़ करना है। तो एस का डेटा और इसको सेम वैसे ही, ठीक है। तो पहला डिफरेंस आपका ये आ गया कि इसमें डॉट यूज़ होगा नॉर्मल ऑब्जेक्ट में, जैसे ही पॉइंटर ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका एरो ऑपरेटर यूज़ होने लगेगा। और आपके अगर आपको लिंक लिस्ट बनानी है, आपको अगर काम करना है डायनेमिकली ऑब्जेक्ट्स पे, तो हमें यहाँ पर भी पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लिंकिंग करनी आ गई है हमें, हमने यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट्स को आपस में लिंक कर दिया, ठीक है। तो अभी भी लेकिन ये लिंक लिस्ट नहीं बनी है, अभी ये कोई लिस्ट नहीं बनी है, अभी ये सिर्फ तीन ऑब्जेक्ट को हमने मैनुअली अपने हाथ से पकड़ पकड़ के एक तरह से लिख लिख के उसको कनेक्ट करा है। अब एक लिंक लिस्ट बनाएंगे कैसे? यहाँ पर आपको दे रखा है लिंक लिस्ट होती क्या, सबसे पहले आपको ये देखना है। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब जो सिर्फ सीधा है, लीनियर है, क्योंकि अगर आप आगे जाओगे तो आपको ऐसा मिलेगा हायर स्टडीज़ में कि लीनियर की जगह काफ़ी टेढ़े मेढ़े डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें से आपका एक एग्जांपल ट्री है। ट्री का आपका काफ़ी ज़्यादा जिक्र हुआ है बुक के अंदर, ट्री आपका एक ट्री की तरह ही होता है, ऊपर एक टॉप होता है उससे नीचे बढ़ता जाता है, तो वो लीनियर नहीं रहता। आपके ऐसे बहुत सारे हैं जो लीनियर नहीं है, लेकिन ये लीनियर है, आपको यही पढ़ना है, आपके ट्वेल्थ में सारे लीनियर ही हैं। तो बट ऑपरेशन इन लिंक्ड लिस्ट आर मच फास्टर देन एनी एरे, तो हम एरे के ऊपर इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं? जब एरे हमारी सिंपल सी है तो क्यों इतना मेमोरी का हम झंझट पाल रहे हैं? मेन क्या है कि लिंक्ड लिस्ट के जो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस मतलब जो हमने एरे के अंदर करे थे, डिलीशन, एडिशन, मर्जिंग, जितने भी ऑपरेशंस करे थे, सॉर्टिंग वगैरह, वो लिंक लिस्ट के अंदर हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा फास्ट निकल के आते हैं एरे से। कुछ ऑपरेशंस होंगे जो एरे में फास्ट होंगे, लेकिन मोस्टली और मोस्ट कॉमनली यूज जो आपके ऑपरेशन है वो लिंक लिस्ट में बहुत ज़्यादा फास्ट है एरेस के मुकाबले, ठीक है। तो लिंक लिस्ट यहाँ पर आपकी एक बनी हुई है। अभी ए बी सी डी क्या है, तो हम लिंक लिस्ट बनाते कैसे हैं, मैं एक डायग्राम से आपको समझा देता हूँ कि लिंक लिस्ट बनती कैसे है। मान लेते हैं हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट के 5 ऑब्जेक्ट बनाए, तो मैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट के 5 ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और 5 ऑब्जेक्ट का हमने कुछ अलग अलग नाम रखा हुआ है। ये आपके 5 ऑब्जेक्ट हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट के। अब इनके अंदर एक तो डेटा है, सबके अंदर डेटा है, मैं सबको डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डेटा है सबके अंदर एक, और सबके अंदर एक एडिशनल चीज़ है, वो क्या है? एक पॉइंटर। और पॉइंटर किस चीज़ के एड्रेस को शो करेगा, किस टाइप के डेटा को शो करेगा? एक स्ट्रक्चर के स्टूडेंट, जो स्ट्रक्चर स्टूडेंट है उसी के ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने डेटा टाइप क्या दिया, स्टूडेंट, तो ये किसी स्टूडेंट टाइप के डेटा टाइप का ही एड्रेस स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर एक पॉइंटर वाला पार्ट भी है, तो मैं उसको यहाँ लिख लेता हूँ, एक पॉइंटर वाला पार्ट है, या फिर इसको थोड़ा पतला दिखाते हैं क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा आपका डेटा है। तो यहाँ पर मैं ये सारा आपका सबके अंदर एक एक पॉइंटर भी है, सबके अंदर एक एक पॉइंटर भी है। अब हर पॉइंटर का काम क्या है? हर पॉइंटर किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करा सकता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने वहाँ पर करा था, हम हर पॉइंटर के अंदर उसके अगले ऑब्जेक्ट का, जो भी हमें अगला रखना है, उसका एड्रेस स्टोर करा देंगे।
ठीक है, तो मान लेते हैं हमने 5 ऑब्जेक्ट बनाए, 5 अलग अलग नाम के, 5 स्टूडेंट्स थे। मैंने क्या करा, इसके पॉइंटर को मैंने एड्रेस दे दिया इसका, इसके पॉइंटर को इसका एड्रेस दे दिया, और पॉइंटर एक तरह से क्या होता है, एड्रेस स्टोर कर लेता है, फिर पॉइंट कर रहा है। तो ये वाला पॉइंटर अब इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, और इस वाले पॉइंटर को मैंने इसका एड्रेस दे दिया, तो ये इसको पॉइंट करने लग गया। इस वाले पॉइंटर को मैंने इसका एड्रेस दे दिया, तो इसको पॉइंट करने लग गया, और इस पॉइंटर को मैंने इसका एड्रेस दे दिया, तो ये इसको पॉइंट करने लग गया। तो ये एड्रेस कैसे देंगे, वैसे ही हम लिख लेंगे। जैसे मैं इनके कुछ नाम दे देता हूँ, S1 S2 S3 ले लेते हैं, आपको ईजिली समझ आ जाएगा फिर। और ये सारे जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपके ये पॉइंटर वाले ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो अगर मेरे को S1 के पॉइंटर को S2 पे पॉइंट कराना है, तो मैं क्या लिखूंगा कोड, S1, और S1 आपका पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, तो इसमें डॉट ना यूज़ करके हम एरो ऑपरेटर यूज़ करेंगे। S1 का PTR, S1 के PTR में किसका एड्रेस स्टोर करना है, S2 का। तो इसमें S1 के PTR में S2 का एड्रेस स्टोर हो गया। S2 के PTR में किसका एड्रेस स्टोर करना है, S3 का। तो ऐसे ही मैं S2 के PTR में S3 का एड्रेस स्टोर करा सकता हूँ। सिमिलरली S3 के में S4 का, और S4 के में S5 का, ठीक है। और S5 के में किसका कराएं, अगर S5 में किसी का एड्रेस स्टोर नहीं कराया तो वो कोई गार्बेज वैल्यू पकड़ लेगा और कहीं भी रैंडमली पॉइंट करने लग जाएगा। तो इससे बढ़िया उसको क्या कराते हैं, उसको किसी ऐसी जगह पॉइंट कराते हैं जहाँ कुछ हो ही ना, कुछ ना हो, मतलब कि नथिंग हो, नथिंग को हम कोडिंग में नल बोलते हैं। तो हम इसको नल पे पॉइंट करा देंगे। नल पे पॉइंट कैसे करेंगे, नल का कोड क्या है, अब S5 के पॉइंटर को नल पे पॉइंट कराना है, तो S5, और ये आपका पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, तो डॉट ऑपरेटर ना यूज़ करके एरो ऑपरेटर यूज़ होता है। तो S5 के पॉइंटर को कहाँ पर पॉइंट करा दिया हमने, नल के ऊपर, तो नल पे पॉइंट करा देते हैं इसको। हो गया आपका S5 के पॉइंटर को नल पे पॉइंट करा दिया हमने, ठीक है। S1 के पॉइंटर को S2 पे, S2 के S3 पे, और ये S3 को S4 पे करा लोगे, S4 को S5 पे, और जो लास्ट वाला है उसको नल के ऊपर। तो अभी दिख गया आपको एक लिंक्ड लिस्ट बन रही है, एक लिस्ट बन रही है, हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके अंदर जो हर ऑब्जेक्ट है वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। तो ये आपकी एक लिंक लिस्ट बन गई। जैसे इसके अंदर आपका ये आपको हेड दे रखा है, आपको लास्ट में ये जो एंड है इसको नल पे कर रखा है, एक डेटा वाला पार्ट है, और एक आपका नेक्स्ट पॉइंटर वाला पार्ट है जो नेक्स्ट आपके ऑब्जेक्ट का एड्रेस शो करेगा। यहाँ पर हमने PTR नाम लिया था, आप नेक्स्ट नाम लेके चल सकते हो। लेकिन अब जो ये लिंक लिस्ट बनी है डायनामिक तो नहीं है। अब मान लो मेरे को प्रोग्राम के अंदर ही इसके अंदर कुछ चेंज कराना है, तो मैं क्या करूँगा। अब इसके अंदर मैंने क्या करा था, 5 ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से मैंने ऑलरेडी बना के रख रखे थे, फिर उनको ज्वाइन कराए। लेकिन अगर मेरे को प्रोग्राम के अंदर ही कोई नया ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो मैं कैसे करूँगा। तो उसकी कमांड हमने पढ़ रखी है, वो कमांड हम कैसे यूज़ करते थे, हमने पॉइंटर्स के अंदर पढ़ा था न्यू कैसे वर्क करता है। तो न्यू को लेकर ही इसके अंदर काम करेंगे। तो मैं एक पॉइंटर लेता हूँ। अब जैसे लास्ट वाला है इसको नल पे से हटा के मेरे को एक यहाँ पर एक डायनेमिकली एक नया ऑब्जेक्ट चाहिए, न्यू ऑब्जेक्ट। तो जब थोड़ी सी न्यू मेमोरी चाहिए होती है तो हम न्यू का यूज़ करते हैं। अब किस टाइप की मेमोरी चाहिए, इस टाइप की स्टूडेंट टाइप के स्ट्रक्चर की मेमोरी चाहिए। तो न्यू के आगे मैं लिखूँगा स्टूडेंट, तो न्यू स्टूडेंट। और इस मेमोरी को मैं क्या करूँगा, इस मेमोरी का इतनी सारी मेमोरी थी उसमें से थोड़ी सी स्टूडेंट टाइप की मेमोरी मेरे पास आ गई। अब इस मेमोरी के ऊपर मैं इसको पॉइंट करा देता हूँ। तो इसको पॉइंट कराने के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, S5 का PTR इज गोज टू न्यू स्टूडेंट, यानी S5 के PTR के अंदर कुछ न्यू मेमोरी आके स्टोर हो गई। अब इस ऑब्जेक्ट का कुछ नाम नहीं है, लेकिन ये मेमोरी आ चुकी है, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट्स का नाम था जो हमने ऑलरेडी दिया था, ये हमने प्रोग्राम रन टाइम के अंदर ही एक थोड़ी सी नई मेमोरी निकाली और S5 के पॉइंटर को उस पर पॉइंट करा दिया। तो ये हमारा डायनामिक वाला पार्ट हो गया। अब आगे देखेंगे हम उसे कैसे करना है। ये आपकी बेसिक लिंक लिस्ट हो गई। अब हम देखते हैं लिंक लिस्ट को कैसे वर्क करना है, कैसे हम उसको क्रिएट करेंगे, कैसे उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आयो स्ट्रीम लगा देता हूँ, ठीक है। मेन फंक्शन बनाते हैं। अब मेरे को लिंक लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले एक स्ट्रक्चर चाहिए होगा जिसके हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर क्या, क्लास कुछ भी ले लो आप, दोनों वर्क करते हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर लेके कर लेते हैं, बाकी क्लास में वो सबको पब्लिक करना पड़ेगा, सेम रहेगा बाकी। तो मैं इसमें बना लेता हूँ डेटा और एक पॉइंटर जो किस टाइप का डेटा शो करेगा, स्टूडेंट टाइप के डेटा के ऊपर पॉइंट मारेगा। तो इसको मैं नाम देता हूँ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट नाम क्यों, क्योंकि ये नेक्स्ट वाले का एड्रेस स्टोर करता जाएगा, तो नेक्स्ट नाम दे दिया इसका। अब मैं कुछ इसके ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ। तो पहला ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे स्टार्ट। स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट हम इसको नाम दे देंगे, ये वाला जो पहला ऑब्जेक्ट है इसको हम स्टार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से लिस्ट जो है हमारी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हमें बस अभी स्टार्ट ही चाहिए और इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। कैसे बढ़ेंगे आगे, अगर मान लो मेरे पास स्टार्ट, मेरे को पता क्या है, मेरे को स्टार्ट का एड्रेस पता है, स्टार्ट ऑब्जेक्ट की नॉलेज है, तो मैं स्टार्ट से थर्ड पे कैसे पहुंच सकता हूं। मैं पहले स्टार्ट के नेक्स्ट पे जाऊंगा,
स्टार्ट के नेक्स्ट में किसका एड्रेस है इसका, फिर मैं इसके नेक्स्ट पर जाऊँगा, इसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस है इसका, और मैं इस पर पहुँच जाऊँगा। तो ऐसे लिंक लिस्ट आपकी वर्क करेगी, वो हम देखेंगे। तो मैं एक यहाँ पर बना लेता हूँ स्टार्ट, ठीक है। अब स्टार्ट जो है वो एक ऑब्जेक्ट बन चुका है हमारे स्टूडेंट का, लेकिन स्टार्ट को मैं पहले कर देता हूँ नल। स्टार्टिंग में हमें हर उस ऑब्जेक्ट को नल रखना चाहिए, ताकि वो किसी, क्योंकि मेमोरी का यहाँ पर है, अगर गार्बेज वैल्यू में कोई भी रैंडम पॉइंट कर गया और वहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो स्टार्ट को मैंने नल कर दिया, और स्टार्ट के डेटा को मैं कर देता हूँ लेट सपोज 1, और स्टार्ट के नेक्स्ट को मैं भी नल कर देता हूँ। स्टार्ट के नेक्स्ट को मैंने कर दिया नल। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप स्टार्ट के नेक्स्ट को नल कर दो, या फिर स्टार्ट के नेक्स्ट को स्टार्ट पे ही पॉइंट करा दो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग है, इससे कुछ फर्क पड़ना नहीं है, कभी भी हम एक नोड बना के नहीं छोड़ेंगे। अब हम इस ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमें लिंक लिस्ट समझ आ गई, तो हम नोड वर्ड यूज़ करेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं, एक नोड है, तो हम नोड्स वर्ड यूज़ करेंगे। तो हम कभी भी एक नोड नहीं बनाएंगे, सिर्फ स्टार्ट को नहीं बनाएंगे, हम पूरी लिस्ट बनाते हैं। तो अगर बाय चांस एक है, या तो आप उसको नल कर दो यहाँ पर, जैसे हमने करा है स्टार्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स नल, और हाँ एक चीज़ और भी, और या फिर आप ये कर दो कि स्टार्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार्ट पर ही, इसको स्टार्ट पर पॉइंट करा दो, फर्क नहीं पड़ना, बस उसको कहीं रैंडम नहीं फेंकना, ठीक है। या तो खुद पे करा दो या नल। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी इसके अंदर, स्टार्ट कैसा ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंटर ऑब्जेक्ट है। पॉइंटर ऑब्जेक्ट में हम क्या डॉट लगाते हैं, नहीं यहाँ पे हम ये लगाएंगे, पहले आपका माइनस वाला सिंबल और फिर एंगल ब्रैकेट वाला सिंबल, सेम इधर, सेम इधर, ठीक है। अब हमारा स्टार्टिंग नोड हमने बना लिए, क्योंकि स्टार्ट हमने पहले ही बना दिया था, ये प्री डिफाइंड था, ठीक। अब मान लेते हैं किसी बंद, अब हम यूज़र से पूछेंगे कि उसको कितनी नोड्स चाहिए, तो यूज़र से हम बाद में पूछेंगे, पहले हम खुद की एक दो तीन नोड बना लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो जैसे मैं एक न्यू नोड बनाता हूँ, कैसे बनाऊँगा मैं, स्टूडेंट टाइप का हमारा वो है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं लेट सपोज S1, ठीक है। और S1 के अंदर डेटा की वैल्यू हम कर देते हैं, अब डॉट नहीं आएगा, आपका पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, तो S1 के डेटा को हम कर देते हैं 2। और अब क्या करना है, जो हमारा स्टार्ट था, स्टार्ट के पॉइंटर को इस पर पॉइंट करा रहे हैं ना, क्योंकि सेकंड नोड है, जो स्टार्टिंग की जो पॉइंटर है उसको इस पर पॉइंट कराना है, और जो अभी लास्ट है तो इसको नल पे करा देंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाले का, यानी स्टार्ट का नेक्स्ट हम करा देंगे S1 पे, स्टार्ट का जो हमने पॉइंटर S1 पे करा दिया, और S1 का जो नेक्स्ट है उसको कहाँ करें, S1 तो खुद एंड है, तो इसको नल कर देते हैं, ठीक है। हमारी ये दो नोड की लिंक लिस्ट बन चुकी है। अब इसमें तीसरी नोड बनानी है, तो क्या करेंगे, एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट S2। अब क्या करेंगे, S1 के जो से पिछली है उसके नेक्स्ट को इस पे पॉइंट करा देंगे। इस पे पॉइंट कराना मतलब, अब ये नल पे पॉइंट कर रहा था क्योंकि ये एंड था उस वक्त जब ये सारे नहीं थे, तो इसको हमने नल पे फेंक रखा था। अब जैसे ही S3 आया, हमने इसको नल पे से हटाया और S3 के ऊपर पॉइंट मार दिया, और अब S3 लास्ट है, तो S3 को यहाँ, S3 अभी यहाँ ही नहीं, इसको भूल जाओ। अब जब S3 बनाया तो ये कहीं भी गार्बेज वैल्यू पे पॉइंट कर रहा होगा, वो दिक्कत है, तो इसको गार्बेज से हटा के हमने कहाँ कर दिया, इसको हमने फेंक दिया नल पे, ठीक है। तो ये आपकी ऐसे लिंक लिस्ट बनती जाएगी जिस तरह से हम ऐड करेंगे। तो S1 के नेक्स्ट को मैंने कर दिया S2 पे, और S2 के नेक्स्ट को मैंने कर दिया S2 के नेक्स्ट को नल पे, और मैं S2 को कुछ डेटा दे देता हूँ, S2 को डेटा दे दिया मैंने जैसे 3, ठीक है। तो ये हमारी बन गई एक लिस्ट, तीन नोड की लिस्ट बना ली हमने, इसमें स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में डेटा है 1, तो मैं इसके अंदर डेटा भी फिल कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग के अंदर डेटा है 1, सेकंड के अंदर है 2, उसके बाद है 3। ये हमारा ऑब्जेक्ट है स्टार्ट, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है S1, और फिर है S2, ठीक है। स्टार्ट का डेटा है 1, और स्टार्ट का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट कर रहा है S1 पे। S1 का डेटा है 2, और S1 का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट कर रहा है S2 पे। S2 का डेटा है 3, और S2 का नेक्स्ट जो है वो पॉइंट कर रहा है नल पर। तो आपको समझ आ गया होगा लिंक लिस्ट हम प्रोग्राम में कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर कुछ कमी है। कमी ये है कि जब भी एक नई नोड बनानी है तो मेरे को उसका कोड लिखना पड़ रहा है। तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि यूज़र मेरे को बताए कि उसको नोड चाहिए या नहीं चाहिए। यूज़र हाँ बोलेगा तो एक नई नोड बन जाए, और उसके अंदर जो वो डेटा डाले वो डेटा डल जाए, और वो अपने आप इसके आगे कनेक्ट भी हो जाए। हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। और जब यूज़र बोले कि मेरे को नोड नहीं चाहिए, तो जो लास्ट नोड है वो नल पे पॉइंट करके हमारा प्रोग्राम बंद हो जाए। तो ये जो पार्ट है, सारे पार्ट को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सारा का सारा हमने खुद ही लिखा हुआ है।
अब यूज़र आके कोड थोड़ी करेगा उसको एक नई नोड ऐड करनी है, तो हमारी तरह वो आके एक स्टूडेंट एस फोर थोड़ी बनाएगा के स्टूडेंट एस फोर बना के और फिर वो एस फोर के अंदर डेटा डालेगा, ऐसे डेटा डाल दिया और फिर एस फोर के पॉइंटर को नल पे फेंक के आएगा, उसको इतना कुछ नहीं पता, उसको बस चाहिए न्यू और न्यू के अंदर उसको डेटा डालना है बस। ठीक है, तो हमारा कोडिंग वाला पार्ट हमारा है, तो अब करते हैं सी कोडिंग। तो अब हमारी अप्रोच क्या रहेगी इसको करने की, हम पहले यूज़र से पूछेंगे कि इसको डेटा डालते रहना है कि नहीं, और जब तक वो यस डालता जाएगा जब तक हम लूप चलाते रहेंगे। तो नॉर्मल करते हैं हम, सो वाइल सी एच इक्वल्स टू वाई, जब तक वो वाई डालता जा रहा है तो हम सी एन वाई भी कराते जाएंगे, सो सी एन सी एच कराते जाएंगे, और सी एच को स्टार्टिंग में वाई रख लेंगे कि ताकि एक बार तो चले ही चले, कैपिटल वाई। तो हमारा एक कैपिटल वाई हो गया, जब तक ये कैपिटल वाई है जब तक लूप चलता रहेगा, या फिर स्मॉल वाई भी डाल सकता है यूज़र। तो यहाँ पे एक और की कंडीशन लगा देते हैं, स्मॉल वाई, करेक्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, जैसे उसने बोला कि उसको एक नया ऑब्जेक्ट डालना है, एक नई नोड बनानी है, तो अभी हम मान के चलते हैं कि सिर्फ हमने एक स्टार्टिंग की नोड बना रखी थी, और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमारी एक स्टार्टिंग की नोड बनी हुई है, बस स्टार्टिंग में भी ये जो हमने ऊपर डिक्लेयर कर रखी है, तो यहाँ पर आपका स्टार्टिंग का नोड बना हुआ है, और अभी इसके अंदर ना कुछ वैल्यू है ना इसका कोई पॉइंटर है, पॉइंटर भी रैंडम है, इसकी वैल्यू भी रैंडम है क्योंकि हमने इनिशियलाइज़ नहीं करी है, तो इनिशियलाइज़ यहाँ कर भी नहीं सकते, कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है उसके लिए। तो कंस्ट्रक्टर से कैसे आपको पूरी लिस्ट बनानी है वो आपको हायर लेवल पर पढ़ना है, जब क्लासेस से पूरी लिस्ट बनाओगे। अभी हम सिर्फ मेन प्रोग्राम के अंदर काम करके इसको चलते हैं। तो स्टार्टिंग बनी हुई है, अभी स्टार्टअप में खुद बनाया है। अब मान लो पहले हम स्टार्टिंग की इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर इनिशियलाइज कर देते हैं। तो मैंने स्टार्ट के डेटा को कर दिया, स्टार्ट का डेटा ज़ीरो कर दिया, और स्टार्ट का जो पॉइंटर था यानी नेक्स्ट, उसको मैंने नल पे रख रखा है अभी। ठीक है, सी इन सी एच आएगा, और अब जैसे ही उसको एक नया नोड चाहिए, तो नए नोड के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, थोड़ी सी नई मेमोरी चाहिए जिसको मैं नोड का नाम दूंगा। ठीक है, तो इसकी मेमोरी तो हमने यहाँ बना दी थी जब ये डिक्लेयर हुआ, तो इसकी मेमोरी आ गई, लेकिन अब जो नया चाहिए यूज़र को, उसके लिए मेमोरी निकालनी है डायनेमिकली। ठीक है, रन टाइम पे, क्योंकि आ रही मेमोरी रन टाइम पे यूज़र बता रहा है, तो न्यू मेमोरी कैसे आती है, न्यू स्टूडेंट करके। तो अभी न्यू स्टूडेंट जो हमने बनाया है, इससे हमारे पास एक न्यू मेमोरी आ गई, जितनी सारी मेमोरी हमारी रैम के अंदर थी उसमें थोड़ी सी मेमोरी हम तोड़ के लिया है न्यू स्टूडेंट नाम की। अब इस मेमोरी का करें क्या, इस मेमोरी के ऊपर हमें कुछ पॉइंट कराना है ताकि हमें याद रहे कि ये पॉइंटर हमें पता है, इस पॉइंटर को हम इसे पॉइंट करा देंगे, फिर इस पॉइंटर से हम इस पर जा सकते हैं, ये मेमोरी खोएगी नहीं ऐसे। तो मैं क्या करता हूँ, जो ये न्यू स्टूडेंट नाम की मेमोरी आई है इसके ऊपर पॉइंट करा देता हूँ। अभी न्यू स्टूडेंट कहाँ आगे जुड़ने वाला है ये देखें, ये न्यू स्टूडेंट एक नोड के आगे जुड़ने वाला है। ठीक है, जैसे न्यू मेमोरी आएगी वो इस नोड के आगे जुड़ रही है अभी। ठीक है, अगर थर्ड नोड आएगी तो वो सेकंड के आगे जुड़ेगी, तो यानी जो भी नोड आएगी वो पिछली वाली नोड का पॉइंटर उसको पॉइंट करेगा ना। तो एक पिछली वाली नोड के लिए हम पॉइंटर बना लेते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट पीटीआर बना लेते हैं। ठीक है, तो अभी के केस में जब पहली नोड आ रही है उस केस में वो पहली नोड स्टार्ट है, तो मैं कर देता हूँ पी टी आर इक्वल्स टू स्टार्ट। तो जो हमारे अभी पी टी आर है वो स्टार्ट है, आगे चल के जब सेकंड आ गया, अब जब थर्ड आएगा तो हम इसको पी टी आर बनाएंगे। ठीक है, फिर थर्ड आएगा और इसके पॉइंटर को हम थर्ड पे पॉइंट कराएंगे। जब सेकंड आया तो हमने इसके पॉइंटर को सेकंड पे प्रिंट कराया, तो इसको पी टी आर रखा, तो पी टी आर के नेक्स्ट को सेकंड पे करा देंगे। लेकिन जब थर्ड आएगा तो इसको पी टी आर बना देंगे, फिर पी टी आर के नेक्स्ट को थर्ड पे करा देंगे। जब फोर्थ आएगा इसको पी टी आर बना देंगे, फिर पी टी आर के नेक्स्ट को फोर्थ पे करा देंगे, एंड सो ऑन। तो इस न्यू स्टूडेंट है, इसको हम पॉइंटर के थ्रू पॉइंट करा देंगे। तो पी टी आर का नेक्स्ट इज गोज टू न्यू स्टूडेंट। तो जो पी टी आर का नेक्स्ट है वो किसी नई मेमोरी के ऊपर हम पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, और उससे हम बोलेंगे एंटर द डेटा, और यहाँ पर हम उसको ये भी बोल देंगे कि डेटा डालता है कि नहीं, प्रेस वाई वाई टू एड मोर डेटा। तो तब तक वाई आता रहेगा, डेटा आता रहेगा, और यहाँ पर हम डेटा की वैल्यू लेते रहेंगे उससे। तो सीन मान लो एक्स आया, यहाँ पर एक एक्स ही क्लियर कर देते हैं, और इस एक्स की वैल्यू हम डाल देंगे जो ये नई मेमोरी आई है इसके अंदर। लेकिन अब इस नई मेमोरी का नाम क्या है, मेमोरी को तो कुछ नाम ही नहीं है, तो इसके डेटा पे कैसे जाएं।
अगर मेरे को स्टार्ट के डेटा पे जाना है तो मैं लिख सकता हूँ स्टार्ट एरो डेटा इज इक्वल्स टू जीरो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। लेकिन मेरे को इस मेमोरी के डेटा पे जाना है, ये मेमोरी का तो मेरे पास नाम ही नहीं है, तो मैं इस मेमोरी पे कैसे जाऊँ? देखा जाए तो मेरे पास इस मेमोरी का नाम नहीं है, लेकिन मेरे पास इस मेमोरी का एड्रेस है, ये मेमोरी मेरे पास है। तो मैं क्या कर सकता, लिख सकता हूँ यहाँ पे, इस कमांड को ध्यान से देखना है। मैं लिख सकता हूँ PTR का जो नेक्स्ट है, PTR का नेक्स्ट क्या है एक्चुअली, ये वो नई वाली नोड ही है, जो भी न्यू स्टूडेंट आई है वही तो है PTR का नेक्स्ट। PTR के नेक्स्ट पे जो डेटा है वो कौन सा डेटा है? वही तो डेटा है जो न्यू नोड का डेटा है। तो PTR के नेक्स्ट पे जो डेटा है उसकी वैल्यू हम एक्स के इक्वल रख देंगे। ये समझ आ गया होगा आपको, PTR का नेक्स्ट यानी जो भी नई मेमोरी आई है उसका भी डेटा। तो यहाँ पे डबल, जैसे डबल डॉट ऑपरेटर यूज़ करते थे ना हम, जब आउटर टू इनर टू ऑब्जेक्ट जाते थे, जब हमने क्लासेस में पढ़ा था, आउटर क्लास से फिर इनर क्लास से फिर हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते थे, सेम यहाँ पे हम कर रहे हैं। PTR के नेक्स्ट का डेटा इसको एक्स कर दिया, ठीक है। अब हमें एक चीज़ और क्या करनी है, अब हमने क्या क्या स्टेप्स कर लिए, हमने डेटा ले लिया है, हमने पहले न्यू नोड बना दिए, तो एक न्यू नोड बन चुकी है, वो स्टूडेंट टाइप की है। सबसे पहले हमने इस कमांड से न्यू नोड बनाई है और इस न्यू नोड पे हमने इसका पॉइंटर पॉइंट करा दिया है, ठीक है। तो एक काम हमारा हो गया है, और हम क्या कराते हैं बाय केस, अगर वो आगे और ना डाले तो इसके जो नेक्स्ट है उसको हम PTR के नेक्स्ट को हम डल करा देते हैं। अब PTR के नेक्स्ट का नेक्स्ट क्या है? PTR के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल करा देंगे, तो ये भी हमने नल करा दिया। तो हमारा क्या क्या हो गया, डेटा भी डल चुका है यहाँ पर, इस कमांड से हमारा डेटा डल गया है यहाँ पर, यहाँ पर डेटा भी आ गया है, पॉइंटर को नल भी करा दिया, इसके पॉइंटर को हमने इस पर पॉइंट भी करा दिया है, और इसके अंदर डेटा हमने स्टार्टिंग में डाल दिया था जीरो। अब एक चीज़ क्या रह गई है, अब एक चीज़ रह गई है, जो इसको हमने PTR बना रखा था, अब वो PTR हम इसको बना दें और सेम चीज़ हम उस PTR से रिपीट करते जाएँ। तो PTR को आगे खिसकाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कमांड आ रही है। PTR को आगे कैसे खिसकाऊंगा मैं, PTR को आगे खिसकाने के लिए ये लिख सकता हूँ मैं कि PTR इज इक्वल्स टू PTR का नेक्स्ट, PTR जो है वो अपने नेक्स्ट हो जाए, PTR इज़ इक्वल्स टू PTR का नेक्स्ट, PTR का नेक्स्ट को नहीं है, तो यानी अब PTR ये बन गए। अब देखो ज़रा सेम चीज़ रिपीट होने वाली है, सी आउट वो प्रेस वाई या वाई, जैसे ही उसने वाई दबाया अब डेटा आएगा, सो CNCH जैसी वाई आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर हमें सी एच को थोड़ा खिसकाना पड़ेगा, इस सब को हम लास्ट में कर देते हैं। ठीक है, अब मान लो उसने वाई डाला, अब लूप चला, PTR का नेक्स्ट इज गोस टू न्यू स्टूडेंट, यानी अब PTR कौन है, अब PTR ये है, तो इसके नेक्स्ट को नल से हटाकर किसी न्यू मेमोरी पे ले आएंगे। तो न्यू मेमोरी बनी, थोड़ी सी न्यू मेमोरी बनी, और जिसका नेक्स्ट था उस मेमोरी के ऊपर चला गया, तो इसके नेक्स्ट को हम इस न्यू मेमोरी पे पॉइंट मार दिया। और ये किस टाइप की मेमोरी है, स्टूडेंट टाइप की, तो इसके अंदर वैसे ही होगा, एक तरफ डेटा और एक तरफ पॉइंटर, तो एक तरफ डेटा एक तरफ पॉइंटर, ऐसी मेमोरी होगी, ठीक है। फिर क्या है, एंटायर डेटा डलवा लिया उससे एक्स में, और उस एक्स को हमने डाल दिया PTR के नेक्स्ट के डेटा में, तो PTR के नेक्स्ट के डेटा में हमने एक्स डाल दिया, PTR के नेक्स्ट डेटा में एक्स आ गया। फिर क्या हुआ है, PTR के नेक्स्ट को नल कर दिया, तो PTR के भी नेक्स्ट को नल कर दिया, ये हमारा नल कर दिए, ये जो हमारा नेक्स्ट, ये जो इसके वाला पार्ट जो है पॉइंटर को हमारा डिनोट कर रहा है, ये हमारा नेक्स्ट वाला है, तो इसका नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के नेक्स्ट को नल कर दिया, तो ये हमारा थर्ड बन गया। अब ऐसी फोर्थ जब तक वाई डलता जाएगा ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो अब ये कोड हम इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। इम्प्रूव कैसे करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं इसको आगे भी बढ़ा देता हूँ, जो ये वाली कमांड हमारी लिखी है कि पॉइंटर आगे भी खिसक जाए, तो PTR इक्वल्स टू PTR का नेक्स्ट, ठीक है। तो अब इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये वाली कमांड है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्यों, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं PTR के नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, तो पहले मैं PTR को खिसका लेता हूँ और फिर PTR पे ही वर्क कर लूँगा। मैं PTR के नेक्स्ट पे ना जाकर, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, PTR के नेक्स्ट का नेक्स्ट ऐसे कर रहा हूँ मैं, तो पहले क्या करता हूँ, PTR को पहले ही खिसका लेता हूँ, फिर PTR के नेक्स्ट और PTR का डेटा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है PTR के नेक्स्ट का डेटा, तो मैं क्या करता हूँ, पहले PTR को खिसका ही लेता हूँ ताकि मेरे को ऐसे ना लिखना पड़े।
तो इससे पहले मैं पीटीआर खिसका लूँगा, और फिर पीटीआर के नेक्स्ट की जगह मेरे को जस्ट पीटीआर लिखना पड़ेगा, क्योंकि पीटीआर खुद नेक्स्ट हो चुका है। तो पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर का डेटा इक्वल टू एक्स। तो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले पूछेंगे कि डेटा चाहिए कि नहीं, पहले तो वही है, एक बार तो डलेगा ही डलेगा डेटा, ठीक है, एक बार तो डालना ही है। तो नेक्स्ट क्या, पहले न्यू मेमोरी ले, न्यू मेमोरी आ गई, फिर जो पुराना पीटीआर था उसके पॉइंटर को इस पर पॉइंट करा देंगे, तो इससे एक लिंक बन गया। फिर हम डेटा लेंगे और उस डेटा को इसके अंदर कैसे डालेंगे, पहले जो पीटीआर था इस पीटीआर को खिसका के आगे लिए नेक्स्ट पे, और फिर इस पीटीआर के डेटा में एक्स डाल दिया, और इस पीटीआर के नेक्स्ट को हमने नल पे फेंक दिया। फिर अगर एक और डेटा आया तो इस पीटीआर का जो नेक्स्ट था उसको न्यू मेमोरी पे कर देंगे, पीटीआर को आगे खिसका देंगे, पीटीआर के डेटा में एक्स डाल देंगे, पीटीआर के नेक्स्ट को नल कर देंगे। फिर पूछेंगे अगर डेटा आ रहा है तो ये जो पीटीआर के नेक्स्ट को नल करा था इस पीटीआर के नेक्स्ट को किसी न्यू मेमोरी पे डाल देंगे, और उस न्यू मेमोरी पे इस पीटीआर को आगे खिसका देंगे, फिर पीटीआर में डेटा लेंगे, पीटीआर में नेक्स्ट, ये कीप रिपीटिंग होता रहेगा। तो भाई डायनामिक है, ठीक है, यहाँ डायनामिक है क्योंकि मेमोरी जो है वो हम खुद से लेके आ रहे हैं, अब वो रैंडम मेमोरी है। अब एरे के अंदर क्या पॉइंट होता था हमारा, एरे जो होती थी वो एक बारी बनती थी तो वो कंटिन्यूस मेमोरी होती थी, कंटिन्यूस मेमोरी होती तो हम उस पर ईजिली वर्क कर पाते थे, लेकिन ये जो लिंक लिस्ट है ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट कब आ रहा है हमें कुछ नहीं पता, ये न्यू मेमोरी कब बन रही है प्रोग्राम के अंदर, तो मेमोरी कभी भी बन सकती है, किसी भी पार्ट की मेमोरी हो सकती है, जिससे एड्रेस कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेन पॉइंट क्या है, ये जो फैली हुई मेमोरी हमने इसको आपस में लिंक कर दिया है, ठीक है, और लिंक करके हमने इसको एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बना दिया है। अब हो सकता है कि ये जो पहला ऑब्जेक्ट है इसका एड्रेस कुछ हो, इसका कुछ हो सकता है, इसका कुछ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये लीनियर होंगे, बस मेन पॉइंट क्या है, आपस में लिंक्ड है, आपस में लिंक्ड है, तो हमारी लिंक्ड लिस्ट, आपस में लिंक्ड है तो लिंक्ड लिस्ट। तो ये हमारा क्रिएटिंग लिस्ट, लिस्ट हमने क्रिएट कर ली और उसके अंदर हमने डेटा डाल दिया है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं हमारा लिस्ट के ऊपर क्या है, तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है। नेक्स्ट हमें प्रिंटिंग द लिस्ट, अब हमें ये जो ये लिस्ट बनाई है इसको हमें प्रिंट कराना है, ठीक है, इसको सी आउट कराना है। कैसे करेंगे, हमें पहले प्रिंट करा के धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, वो हम देखते हैं। जैसे हमने ये वाली कमांड यूज़ करी थी ptr इक्वल्स टू ptr नेक्स्ट, इसी कमांड के बेसिस पे हम पढ़ेंगे। मैं खोलता हूँ टेक्स्ट एडिटर, फिर देखते हैं कैसे होने वाला है। तो यहाँ पर हमारी लिस्ट बन चुकी है, तो मान लेते हैं हमें इस लिस्ट को प्रिंट कराना है, तो मैं क्या कंडीशन लाऊंगा, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, तो जो ये मेरा ptr है ये एक पॉइंटर है जो खाली पड़ा हुआ है इस वक्त, ठीक है, सारी मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, लिस्ट बन चुकी है। तो अब ये जो ptr है इसको मैं यूज़ करके लिस्ट के अंदर ट्रैवर्स करने वाला हूँ। अब देखो कैसे करते हैं, तो मैं सबसे पहले इस ptr को स्टार्ट के इक्वल कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है, तो ptr इक्वल्स टू स्टार्ट। अब मैं क्या करूँगा, मैं स्टार्ट का डेटा पढ़ूँगा और फिर आगे बढ़ूँगा, फिर उसका डेटा पढ़ूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि एक लूप चलाता हूँ मैं, वाइल ptr का नेक्स्ट, जब तक ptr का नेक्स्ट नल ना हो जाए, ठीक है, यानी जैसे ही ptr का नेक्स्ट नल हो गया मतलब कि एंड आ चुका है, तो वाइल ptr का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, जब तक मेरे को क्या करना है, मेरे को उसका डेटा प्रिंट कराना है और ptr को आगे खिसका देना है। तो सबसे पहले मेरे को ptr का डेटा प्रिंट कराना है, सो सी आउट ptr का डेटा backslash t gap के लिए, और जैसे ही डेटा प्रिंट हो जाए ptr इज गोस टू ptr का नेक्स्ट, तो ptr जो है वो अपने नेक्स्ट पे चला जाए, नेक्स्ट उसका कौन है, अगला वाला, तो ptr जो है अपने नेक्स्ट पे चला जाए, टू ptr का नेक्स्ट, तो ptr से नेक्स्ट पे जाता रहेगा। लेकिन जब ये लास्ट पे आएगा, अभी लास्ट पे आएगा उस केस में क्या होगा, ptr का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, इसमें लास्ट नोड प्रिंट नहीं होगी, तो मैं इसको लिख देता हूँ ptr नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि जब ये लास्ट में इस पे आ जाएगा ना तो उस वक्त ptr ही नल हो गया, तो वहाँ पे लूप अपने आप आके रुक जाएगा। तो या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, या फिर आप इसको कैसे कर सकते हो, ptr का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, और लास्ट में एक बार और ptr प्रिंट करा देना, सी आउट ptr का डेटा, ठीक है। तो इससे आपकी पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई है, वही लूप चलाया हमने जब तक एंड ना आ जाए। मेन कंडीशन ये वाली होती है हमारी कि ptr इज गोस टू ptr का नेक्स्ट, ptr को उसके अगले पे हम ट्रैवर्स कराते जाते हैं। अगला ऑपरेशन हमारा इंसर्टिंग इन द लिस्ट, अब लिस्ट के अंदर मेरे को इंसर्ट करना है, तो लिस्ट के अंदर इंसर्ट करना बहुत सिंपल है। जैसे हम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे थे, यहाँ पर हमने कितने एलिमेंट इंसर्ट करे, जैसे जैसे यूज़र बोल रहा था इंसर्ट करते जा रहे थे। अब मान लो मेरे को एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, तो मेरे को सिंपली क्या करना पड़ेगा, या तो मैं स्टार्ट के साथ एक एंड भी बना लेता हूँ, जनरली हम क्या करते हैं लिस्ट के अंदर, ताकि थोड़ी ईजी हो जाए, एक स्टार्टिंग रखते हैं हम और एक एंड भी रखते हैं, ठीक है, स्टार्ट और एंड। जब हम एंड पे जाएंगे तो एंड का नेक्स्ट हमारा नल पे होगा, तो हमें जब इंसर्ट करना होगा तो हम एंड के नेक्स्ट को नल से हटाकर एक किसी न्यू मेमोरी पे रख देंगे,
नल से हटाकर एक न्यू मेमोरी पर रख दिया, इसके अंदर डेटा फिल कर दिया। इस न्यू मेमोरी के नेक्स्ट को नल कर देंगे, या फिर उससे पहले क्या करते हैं, अब इसको एंड बनाना है ना, अब ये एंड नहीं रहा, तो एंड इज गोज टू एंड का नेक्स्ट, एंड इज गोज टू एंड के नेक्स्ट से क्या होगा, एंड जो है वो आगे खिसक गया, अब ये एंड है, और अब एंड के नेक्स्ट को हम नल कर देंगे, तो ये हो गया इंसर्ट लास्ट में। सिंपल था ये, तो यहाँ पे कमांड लिख देता हूँ इसकी। सबसे पहले एंड इज गोज टू न्यू स्टूडेंट, ताकि हमारे एक न्यू मेमोरी आ जाए, फिर एंड जो है वो अपने नेक्स्ट पर चला जाए। अब एंड आगे आ गया है, तो जो इस एंड का जो नेक्स्ट है, नया जो अब नया नेक्स्ट एंड आ चुका है, उसको नल कर देते हैं, क्योंकि अब ये नल पे पॉइंट करेगा। तो ये कमांड हो गई इंसर्टिंग की, लेकिन ये इंसर्टिंग थी एंड में इंसर्ट करना है जब, ठीक है, एंडिंग में इंसर्ट करने के लिए होता है। अगर हमारे पास एंड पॉइंटर नहीं है बाई चांस, तब कैसे होगा वो भी देखेंगे, ठीक है। अभी एंड पॉइंटर है तो हमें ऐसे करना है। अब मान लो मेरे को जो एलिमेंट है वो कहीं स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है, तब मैं कैसे करूँगा। मान लो मेरे को एलिमेंट को स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है, तो मैं उसके लिए मान लेता हूँ मेरी लिस्ट बस इतनी है, मेरी लिस्ट ही है, मैं सारा हटा देता हूँ, ये मेरी लिस्ट है और ये हमारा स्टार्टिंग है और ये हमारा एंड है, जो भी नल के इक्वल है। अब मान लेते हैं मेरे को एक एलिमेंट स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा। मेरे को इसमें तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना मेरे को, ये जो आपकी लिस्ट बनी हुई है, बस मेरे को एक न्यू मेमोरी चाहिए, इस न्यू मेमोरी के नेक्स्ट को मैं इस पे पॉइंट करा दूंगा, और जो स्टार्ट का नाम है वो इस पे ला दूंगा, हो गया स्टार्टिंग में इंसर्ट हो गया। अभी यहाँ ना लिख के अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो देखो बन गया स्टार्टिंग में, अभी ये मैंने यहाँ लिखा है, अगर मैं इसी को यहाँ लिख दूँ और इस स्टार्ट को यहाँ बना दूँ, तो ये स्टार्टिंग में इंसर्ट हो गया। तो इसी क्या कमांड रहेगी, तो अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ, तो इस पर सबसे पहले मेरे को एक न्यू मेमोरी चाहिए। अब मेरे को जो न्यू मेमोरी चाहिए उसको मेरे को सेव रखना है, तो मैं एक नया पॉइंटर बना लेता हूँ स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट स्टार पीटीआर, और इस पीटीआर के अंदर मैं एक न्यू स्टूडेंट ले आता हूँ, नई मेमोरी आ गई, ठीक है नई मेमोरी आ गई। अब इस न्यू मेमोरी को, ये हमारी न्यू मेमोरी है, इस न्यू मेमोरी का नेक्स्ट स्टार्ट पे पॉइंट कराना है, तो पीटीआर का नेक्स्ट स्टार्ट पे प्रिंट कर, स्टार्ट पे कराना है हमें पॉइंट, तो स्टार्ट पे पॉइंट करने लग गया, पहला काम डन। अब दूसरा काम क्या है, जो स्टार्ट है वो यहाँ, ये जो ये स्टार्ट का नाम है वो इस पे आ जाए, यानी अब ये स्टार्ट बन जाए, तो स्टार्ट इज इक्वल्स टू पॉइंटर, डन। ये हो गया इंसर्टिंग इन स्टार्टिंग, जब बिगिनिंग में इंसर्ट करना हो, तो ये हमारी इंसर्ट इन बिगिनिंग हो गया, ये इंसर्ट इन एंड हो गया। अब मान लेते हैं जो हमारा यहाँ पर एंड नाम का कोई पॉइंटर नहीं है, हमारी लिस्ट कुछ इस तरीके से है और ये हमारा स्टार्ट है। अब इस केस में मेरे को अगर एंड में इंसर्ट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, उस केस में मैं एक लूप चलाऊँगा, जैसे मैंने ये लूप चला रखा है, जो मेरा ये वाला लूप है, मैं ये वाला लूप चलाऊँगा, और इसमें मैं यहाँ पर सी आउट वगैरह कुछ नहीं करा के सीधा इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, बस इसको आगे बढ़ाता रहूँगा, पीटीआर का नेक्स्ट। अब जैसी ये वाली कंडीशन आ गई, जब ये वाली कंडीशन आ गई, तो मेरे को पता चल गया कि अब एंड आ गया, ठीक है एंड आ गया, अब मैं लूप से बाहर आ गया, यानी अब जो मेरा पीटीआर है वो एंड पे बैठा है, तो एंड पे पहले मेरे को पहुंचना पड़ेगा इसके अंदर, इस लूप की मदद से, इस लूप की हेल्प से मेरे को एंड में पहुंचना पड़ेगा पहले, और जब मैं एंड में पहुंच गया, फिर मेरे को सेम कर देना है कि एक एंड को न्यू मेमोरी में पॉइंट करा देंगे, और उस न्यू मेमोरी को एंड बना देंगे, और उसका जो नेक्स्ट है वो नल पे पॉइंट करा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंसर्टिंग इन बिगिनिंग और इंसर्टिंग इन एंड हो गया। अब मेन पॉइंट आएगा जब इंसर्टिंग इन मिडल आ जाएगा, कहीं मिडल में हमें इंसर्ट करना है, तब कैसे होगा वो देखते हैं। मान लेते यही हमारी लिस्ट है, और मेरे को बोला कि मेरे को थर्ड पोजीशन पे एक न्यू डेटा एलिमेंट, न्यू नोड इंसर्ट करनी है, तो अगर मेरे को थर्ड पोजीशन पे एक न्यू नोड इंसर्ट करनी है, इसका मतलब यहाँ पर इसके और इसके बीच में, तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले मैं एक न्यू मेमोरी लाऊंगा, थोड़ी सी मैं एक न्यू मेमोरी लाऊंगा। अब मेरे को थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो मैं पहले सेकंड पोजीशन पे जाऊंगा, ठीक है सेकंड पोजीशन पे जाऊंगा, सेकंड का जो नेक्स्ट है उसको वहाँ से तोड़ूंगा और उसको इस पे पॉइंट करा दूंगा, ठीक है सेकंड के नेक्स्ट को इस पे पॉइंट करा दूंगा, और इसके नेक्स्ट को फोर्थ पे, ये जो थर्ड था पहले, अब वो फोर्थ बन चुका है, उस पे पॉइंट करा दूंगा। तो अब देखो अगर मैं इसको यहाँ कर दूँ, तो एक तरह से आपकी लिंक लिस्ट बन चुकी है स्ट्रेट, जिसमें 1 2 3 4 5 है, तो बस मेरे को एक ही लिंक तोड़ना है।
तो यहाँ पर अगर आपको दिख गया होगा कि अगर मेरे को एरे में सेम चीज़ करनी होती थी, मान लो अगर ये 1000 एलिमेंट की लिंक्ड लिस्ट है और उसके अंदर मेरे को यहाँ इंसर्ट करना है, तो मेरे कितने स्टेप्स लगे? पहले मेरे को वहाँ तक पहुँचना है, फिर एक लिंक तोड़ना है, दो लिंक तोड़ने हैं, बस। लेकिन जब मेरे को एरे में ऐसा करना होता तो क्या करना पड़ता था, तब मैं क्या करता था, मैं पूरी एक एरे बनाता था, जैसे मेरी ये एरे है, अब मेरे को इसके यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो मेरे को इन हर एलिमेंट को एक एक आगे खिसकाना पड़ेगा। अब मान लो 1000 एलिमेंट है, मेरे को उस पर 200 पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो अगले 800 को मेरे को आगे खिसकाना पड़ेगा, 800 बार मेरे को एक शिफ्टिंग करनी पड़ेगी एलिमेंट्स की। या फिर मैं क्या करता था कि स्टार्टिंग के पहले मैं एलिमेंट एक न्यू एरे में कॉपी करता था, फिर उस एलिमेंट को लाता था, फिर बाकी के 800 कॉपी करूँगा। तो एरे के अंदर ये काम बहुत लेंदी है, और जब वो मेरे को लिंक लिस्ट में करना है, मेरे को बस वहाँ पहुँचना है और दो लिंक तोड़ने हैं, मतलब एक लिंक तोड़ना है और दो नए बनाने हैं, और आपका सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा डायनेमिकली एलोकेशन है और एरे के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है। तो देखते हैं इसको प्रोग्राम में कैसे करना है। इंसर्टिंग इन द मिडल, इंसर्टिंग बिगिनिंग का प्रोग्राम को आ जाएगा और एंड का प्रोग्राम भी आपको आ गया होगा, मैंने बता दिया। इंसर्टिंग इन मिडल का देखते हैं किसी पोजीशन पे। तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले यूज़र से हमें डलवाना पड़ेगा कि हमें कहाँ इंसर्ट कराना है। तो मैं सी आउट करा लेता हूँ, प्लीज़ एंटर द पोजीशन वेयर यू वांट टू ऐड एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट मैंने उसे ड्रॉ लिया, एलिमेंट आ जाएगा। इस एलिमेंट को हम कुछ यहाँ पे इंट दे देते हैं। ठीक है, अब मेरे को इस नंबर तक पहुँचना है, तो उसके लिए मेरे को एक वाइल लूप चलाना है, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू एलिमेंट। हम मान लेते हैं एलिमेंट किसने 3 डाला, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे, तो मेरे को 2 तक पहुँचना है। ठीक है, तो मैं लेस देन इक्वल टू की जगह लेस देन लगा देता हूँ। ठीक है, मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, 1 2, और वहाँ पर जाके मेरे को रुक जाना है। तो मैं आई इसको 2 1 कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो PTR जो हमारा स्टार्ट कर रखा था, नहीं PTR हटा दिया, PTR को स्टार्ट करना ही, क्योंकि स्टार्टिंग से चलते हैं लिस्ट में जब भी कोई हम करते हैं काम, PTR कर देते हैं स्टार्ट। अब PTR कनेक्ट, हमें आगे PTR को आगे करते जाना है जब तक हमारा ये वाली कंडीशन ना पहुँच जाए, आई इज़ लेस देन एलिमेंट। एलिमेंट मान लो 3 था, तो 2 पे आके रुक जाए वो, और हमें i++ कराते जाना है। तो आप या तो i यहाँ +++ करा सकते हो, या फिर अगर आपको थोड़ा सा शॉर्टर कोड लिखना है तो आप i को यहाँ भी +++ करा सकते हो, ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, पहले वैल्यू आएगी फिर बढ़ेगा, तो पहले i वैल्यू आएगी फिर बढ़ेगा वो। ठीक है, तो वह 2 पे आके रुक जाएगा। अब जो हमारा पॉइंटर है वो यहाँ आके रुक गया, 2 पे आ चुका है वो। अब अगर ये लूप चलेगा तो i इज इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगा, तो आगे खिसक के यहाँ आ जाएगा, फिर i इज इक्वल्स टू 2 के लिए चलेगा, फिर एक खिसक के यहाँ आ जाएगा। मतलब अभी ये है नहीं, मैं इसको कलर डिफरेंट कर देता हूँ, अभी ये ऐसे ही है, अभी ये वाला पार्ट नहीं है नीचे वाला, ये हमें करना है। तो ये पहले i इज़ गोस टू 1 के लिए चलेगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर i इक्वल टू 2 के लिए चलेगा तो यहाँ आ जाएगा, जो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को उसे यहीं पे रोक देना है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन एक डाल देता हूँ -1 की, तो इससे आपका पहले 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2 पे आके रुक जाएगा सीधा। ठीक है, मतलब एक पहले ही रुक जाए, अगर मैंने -1 नहीं लगाया तो उस पोजीशन पे जाके रुकेगा, मेरे को एक पहले रोकना है उसको, एक पहले रुक गया। इससे मेरे को क्या करना है, जब ये रुक जाए, इसका जो नेक्स्ट जो अगले से कनेक्टेड था उसके नेक्स्ट को एक न्यू मेमोरी पे कर देना है। इसको हटा देता हूँ यहाँ से, PTR का जो नेक्स्ट है, PTR क्योंकि प्रॉपर पोजीशन पे पहुँच चुका है, PTR के नेक्स्ट को मैं एक न्यू मेमोरी पे कर दूँगा, न्यू स्टूडेंट। ठीक है, न्यू मेमोरी बन गई उसके, अब उस न्यू मेमोरी पे इसका नेक्स्ट आ गया, ये लिंक टूट गया अब, क्योंकि इसका नेक्स्ट यहाँ से हट गया, अब इस पर आ गया, और अभी ये वाला लिंक भी नहीं है, अभी इतना पार्ट हो गया हमारा, इसका जो लिंक था वो वहाँ से हट के एक न्यू मेमोरी पे आ गया। अब मेरे को इस न्यू मेमोरी में डेटा चाहिए, तो मैं यूज़र से बोलता हूँ एंटर द डेटा फॉर द न्यू एलिमेंट, डेटा ले लेते हैं हम x, और जो हमारा ये PTR है, PTR का नेक्स्ट। तो अब एक काम करते हैं, अब इसका काम तो हो गया, हम इस पर आ जाते हैं PTR को लेके, तो PTR इज़ इक्वल टू PTR का नेक्स्ट, तो वो इधर आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ PTR इज़ इक्वल टू PTR का नेक्स्ट, तो अब वो इधर आ गया। अब इसका डेटा को चेंज करना है मेरे को, तो मैं लिखता हूँ PTR का डेटा इज़ इक्वल टू x, जो x डाला था वो PTR का डेटा हो गया। और PTR के नेक्स्ट को कहाँ करना है, अगले वाले पे। ठीक है, लेकिन अब इस अगले वाले का पता तो खो गया, अब इस अगले वाले का पता तो खो गया, तो अब इसमें वाली कंडीशन लगेगी जो हम स्वैपिंग में लगाते थे। स्वैपिंग में हमारे पास सामने यही केस आता था,
मेरे को ए और बी की वैल्यू स्वैप करनी होती, तो मैं ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू ए नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ मैंने ए इक्वल टू बी करा एक ही वैल्यू फिर खो जाएगी। तो एक ही वैल्यू को बचाने के लिए मेरे को एक टेम्प लेना पड़ता था, उस टेम्प के लिए मेरे को यहाँ पे एक टेम्प चाहिए होता था। टेम्प को मैं टेम्प के अंदर एक ही वैल्यू बचा लेता था मैं, और यहाँ पर लास्ट में बी के अंदर वो टेम्प की वैल्यू डाल देता था। तो सेम चीज़ मेरे को यहाँ करनी पड़ेगी, इसके एड्रेस को बचाने के लिए मेरे को एक टेम्प्रेरी वेरिएबल चाहिए होगा, एक टेम्प्रेरी नोड चाहिए होगी, एक टेम्प्रेरी पॉइंटर चाहिए होगा। तो अभी क्या था, ये इस पर पॉइंट कर रहा था, मैं क्या करूँगा, मैं एक और पॉइंटर ले जाकर इसके ऊपर रख दूँगा, मैं PTR2 ले जाकर इसके ऊपर रख दूँगा। ठीक है, PTR अपना है इधर जो अपना स्टार्टिंग में चल रहा था, मैं PTR2 इस पर ले जाकर रख दूँगा। उससे क्या होगा, अब जब मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ूँगा और जब मैं PTR को यहाँ से तोड़ के इस पर ले आऊँगा, तो मेरे को पता है कि PTR ए जो ये वाला है नेक्स्ट वाला, इसकी लोकेशन क्या है इस नोड की। क्यों? क्योंकि मैंने इस पर एक PTR2 रख रखा है, एक ट्रांसमीटर रखा हुआ है PTR2। तो मैं जब इसको पॉइंट कराऊंगा तो मैं PTR2 पे पॉइंट करा दूंगा। तो मैं यहाँ पर एक PTR2 बनाना पड़ेगा मेरे को। तो जब मैं इसको यहाँ लेकर गया था तो एक PTR2 बनाते हैं स्टूडेंट का ही। PTR2 का काम क्या होगा, PTR2 जो है वो PTR के नेक्स्ट पे, यानी जब ये नहीं था, जब ये नहीं था तो PTR का नेक्स्ट तो यही था ना, PTR का नेक्स्ट। तो जब ये नहीं था तो PTR का नेक्स्ट, तो PTR2 को मैं कर दूंगा PTR का नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ PTR2 आ गया, अब मैं इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ ले आऊँगा। तो मैंने इस वाली स्टेटमेंट में मैंने बॉन्ड तोड़ के एक न्यू स्टूडेंट पे ला दिया। फिर उसके बाद मैंने डेटा मांगा, CNX आ गया, और जो PTR यहाँ था PTR यहाँ ले आया, और इस PTR के अंदर PTR यहाँ गया, इस वाली स्टेटमेंट से आगे खिसक गया। इस स्टेटमेंट से आगे खिसकने के बाद मैंने PTR के डेटा को एक्स कर दिया, तो इसके अंदर मैंने एक्स डाल दिया जो यूज़र ने डाला। और अब बस मेरे को इस PTR के नेक्स्ट को PTR2 पे डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे एड्रेस सेव हो गया, वाली प्रॉब्लम। तो यहाँ पे वो क्या करना है, PTR2 के नेक्स्ट को PTR पे पॉइंट करा देना है। तो ये क्या हो गया ये इतना सारा, तो मैं इसको सिंपल बनाने के लिए इसको उठा के यहाँ कर देता हूँ, इसको यहाँ से हटा के यहाँ कर देते हैं, थोड़ा सा कोड हमारा नीट एंड क्लीन हो जाए, फिर आपको समझ आ जाएगा। ब्रैकेट आ जाता हूँ क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है वाइल के अंदर। ठीक है, और ये हमारा इसको भी हटा देते हैं, और PTR2 को ऊपर ही डिक्लेयर कर देते हैं जहाँ हमने PTR डिक्लेयर करा है। तो आपको कोड समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमने एलिमेंट ले लिया कि कहाँ था हमें इंसर्ट कराना है, हमने एक्स ले लिया क्या वैल्यू इंसर्ट करानी है, i++ कराते गए, और एलिमेंट -1 यानी जिस एलिमेंट पे जाना है, जिस पोजीशन पे इंसर्ट करना है उससे जस्ट एक पहले वाले पे जाकर रुक गए, इस पे आ गए जी, PTR इस पे आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके अगले वाले का जो एड्रेस है उसको सेव करना है, वरना वो खो जाएगा। तो मैंने अगले वाले को PTR2 कर दिया, यानी जो PTR था उसके अगले को मैंने PTR2 कर दिया इस स्टेटमेंट के थ्रू। फिर मैंने क्या करा, जो PTR का यहाँ जो बॉन्ड बना हुआ था इन दोनों के बीच में, उसको तोड़ के इसको एक न्यू मेमोरी पे ले आया। तो मैंने इस वाली कंडीशन से PTR के नेक्स्ट को एक न्यू मेमोरी पे ले आया, तो PTR का जो नेक्स्ट था उसको एक न्यू मेमोरी पे आ गया। फिर अब PTR यहाँ था, PTR को मैं इधर ले आया, PTR का नेक्स्ट ये था, तो मैं PTR को PTR के नेक्स्ट पे ले आया। अब PTR इधर आ गया। फिर मैंने इस स्टेटमेंट में क्या करा, जो डेटा ऊपर एक्स आया था इसके अंदर वो एक्स डाल दिया। फिर अब इसके नेक्स्ट को PTR2 पे रखना है, तो इस वाली स्टेटमेंट से मैंने PTR2 के ऊपर रख दिया जहाँ मैंने सेव करा था। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट उल्टी हो गई है, PTR के नेक्स्ट को PTR2 पे रख देना है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये इंसर्टिंग इन द मिडल था। तो मिडल का थोड़ा सा आपको ये देखना था, ये कैसे लिंक के वाले जोड़ना है और यहाँ पे जोड़ के ये वाला जोड़ना है। एक लिंक टूटेगा, दो लिंक जोड़ेंगे बस, और ये इसका छोटा सा कोड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब या तो बच्चे ऐसे कोड रट जाते हैं, लेकिन अब देखोगे तो इसमें रटने वाला नहीं है, ऑब्जेक्ट्स का खेल है सारा, और कैसे लिंकिंग करनी है। जब आपको नेक्स्ट समझ आ जाएगा तो लिंक लिस्ट मोस्ट इन्जॉयबल टॉपिक है, क्योंकि इसमें मज़ा आता है यहाँ से लिंक तोड़ के उधर जोड़ने में, उधर जोड़ने में। अभी आप डिलीटिंग वगैरह भी करोगे तो आपको देखना मज़ा आएगा। तो लास्ट ऑपरेशन हमारा लिंक लिस्ट के ऊपर हुआ है, डिलीशन फ्रॉम अ लिस्ट। तो हमारी ये लिंक लिस्ट है, मेरे को इसके अंदर से डिलीट करना है। तो एक बार डिलीट फ्रॉम एंड, एक बार डिलीट फ्रॉम बिगनिंग, और फिर डिलीट फ्रॉम मिडल देखते हैं हम एट अ पोजीशन। तो डिलीट फ्रॉम एंड आपका बहुत सिंपल रहेगा, एंड में से डिलीट करने के लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को बस
ये वाली जो नोड है, ये वाली जो नोड है इन दोनों के बीच का, ये वाला लिंक तोड़ना है और इस लिंक को नल पे रख देना है। तो अगर मैं इस लिंक को तोड़ दूं और इसको मैं नल पे रख दूं, तो एक तरह से अभी ये इतनी बची है, एंड कार्ड डिलीट हो गया। ठीक है, या तो आप इतना छोड़ सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा प्रोफेशनल वाला काम नहीं है। अगर एक प्रोफेशनल कोडर होगा तो वो क्या करेगा, वो जो इसकी मेमोरी है उसको भी बचाना चाहेगा। तो इसकी मेमोरी को हम कैसे बचाएंगे, उसके लिए हमें हमारा दूसरा वाला ऑपरेटर यूज़ करना है। मेमोरी जब नई लेके आते हैं तो हम न्यू यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमें मेमोरी वापस फ्री करनी है तो न्यू के साथ कौन आता था, डिलीट। तो इसके ऊपर मैं एक पॉइंटर रखकर उसको डिलीट कर दूंगा। तो अगर मैंने इसको ऐसे ही हटा दिया तो ये फिर खो जाएगा, ये खो भी जाएगा और ऊपर से मेमोरी भी घेरता रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक पॉइंटर ला के रख दूँगा, तो PTR को इस पर ला के रख दूँगा ये बॉन्ड तोड़ के, और फिर डिलीट PTR कर दूँगा। तो हमारी जो PTR की मेमोरी है वो फ्री हो जाएगी। तो अपने पॉइंटर को यहीं रखने के लिए मेरे को क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, मैं कंडीशन लगाऊंगा वाइल। अब देखो PTR का नेक्स्ट नल तो इसकी कंडीशन है, PTR का नेक्स्ट नल ना हो जाए तो मैं क्या कंडीशन लगाऊंगी, PTR के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल ना हो जाए तो इससे मैं इस पर पहुँच सकता हूँ। मैं कंडीशन लगाता हूँ PTR के वाइल, PTR के नेक्स्ट का भी नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो इसमें पॉइंटर यहाँ के रुक जाएगा, ये कंडीशन यहाँ के रुक जाएगी जब तक मेरे को बस पॉइंटर को आगे खिसकाते जाना है। तो मैं ब्रैकेट ना लगाऊँ तो भी चल जाएगा मेरा काम। तो मैं लिख दूंगा PTR इज इक्वल टू PTR का नेक्स्ट, तो PTR इससे आगे जाता रहेगा, PTR आगे जाता रहेगा और यहाँ पे आकर रुक जाएगा। और ये भी ऐसा नहीं है, जैसा है मैं इसको वैसा बना देता हूँ। अभी वो क्या करना है, मेरे को इसके ऊपर PTR रख देना है और इसका लिंक तोड़ देना है। तो मैं दोनों काम एक टाइम पे नहीं कर सकता, तो मेरे को यहाँ PTR की जगह PTR2 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक PTR2 बना लूँगा। तो PTR2 इज इक्वल्स टू PTR का नेक्स्ट, PTR यहाँ है ना, तो PTR2 को मैंने PTR के नेक्स्ट पे रख दिया। ठीक है, अब मैं ये वाला लिंक तोड़ सकता हूँ। लिंक तोड़ने के लिए मेरे को क्या करना है, PTR के नेक्स्ट को, जो PTR का नेक्स्ट था वो PTR इधर था, तो PTR के नेक्स्ट को मैं नल पे कर देता हूँ, PTR के नेक्स्ट को मैं नल पे कर दूंगा। और अगर आपके लिस्ट में एक एंड है तो इसको एंड भी बनाना पड़ेगा, तो एंड इज गोज टू PTR। अगर एंड नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट आप मत लिखना। ठीक है, तो आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। PTR का नेक्स्ट यहाँ से टूट के नल पे कर दिया। अब इसको डिलीट करना है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, सीधा सीधा डिलीट PTR2। तो इससे हमारी इस PTR2 की सारी मेमोरी फ्री हो जाएगी। तो ये आपका डिलीट फ्रॉम द एंड का हो गया। सेम प्रोसीजर चल रहा है लिंक विंक तोड़ने, बस आपको उस नोड तक पहुंचने की कंडीशन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इस पे पहुंच जाओगे तो आप इसको काम नहीं कर पाओगे। ये एक लिंक लिस्ट का एक माइनस पॉइंट है कि अगर आप एक बार आगे चले गए हो तो पीछे नहीं आ सकते। तो उसके लिए एक नई टाइप की लिंक लिस्ट भी आएगी, वो आपको हायर स्टडीज़ में पढ़नी है। अभी आपको सिर्फ यही पढ़ना है, इसमें हम सीधे आगे आगे जाएंगे। उन लिंक लिस्ट में हम पीछे भी आ सकते हैं, वो आपको बाद में पढ़नी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको पहले ही रुकना पड़ेगा। हर काम आपको एंड आगे पहुंचने से पहले वाला काम को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पहुँचे, अब मैंने जैसे बताया आपको, अगर यहाँ पहुँचने के बाद हम इसको सेव और इसका लिंक एक बारी में नहीं तोड़ सकते, तो एक न्यू पॉइंटर बना लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत थोड़ी है। इसके ऊपर नया पॉइंटर डाल देंगे, PTR से इसको चला लेंगे, PTR2 से इसको चला लेंगे। तो PTR से हमने लिंक तोड़ा और PTR2 से हमने इसको डिलीट कराया। तो ये हमारा डिलीट फ्रॉम एंडिंग हो गया। डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग और ज़्यादा आसान होगा। डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग में हमें क्या करना है, हमें ये सारा झंझट नहीं हटाना, तो मैं इसको हटा देता हूँ। मान लेते हैं लिंक लिस्ट इतनी सी है, तो मेरे को स्टार्ट हमें पता ही होता है, तो मेरे को ये लूप भी नहीं लगाना पड़ेगा उस केस में। मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, तो उस केस में मेरे को लूप भी नहीं लगाना। तो मेरे को क्या करना है, ये स्टार्ट होता है हमारा, स्टार्ट तो होता ही होता है, एंड पे डिपेंड करता है नहीं, स्टार्ट होता ही होता है। तो मेरे को बस स्टार्ट के नेक्स्ट को स्टार्ट बना देना है और इसको फ्री कर देना है। लेकिन जब मैं इसको स्टार्ट बना दूंगा तो ये खो जाएगा फिर। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँ, मैं इसको पहले PTR में सेव कर लेता हूँ। PTR इज इक्वल्स टू स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट इज इक्वल्स टू स्टार्ट का नेक्स्ट, स्टार्ट जो है वो अपना नेक्स्ट वाले पे बन जाए। तो यानी स्टार्ट ये ना रखे, ये तो PTR बन गया था, ये स्टार्ट बन गया। ठीक है, अमीर को क्या करना है, ये वाला लिंक तोड़ना है और इसको फ्री करा देना है। तो या तो बिना थोड़े भी कर सकता हूँ या फिर आप तोड़ के भी कर सकते हो, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो पहले मैं तुम्हें लिंक तोड़ देता हूँ, तो PTR का नेक्स्ट यहाँ से हटा के कर दो नल पे, तो ये यहाँ से हटेगा और ये आ जाएगा नल पे।
और उसके बाद डिलीट पीटीआर, और ये पूरा डिलीट हो जाएगा। इतना नहीं होगा, ज़्यादा ही हो गया, आपका पहला नोट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिलीट फॉर्म द स्टार्टिंग। अब डिलीट फॉर्म मिडल एट अ पोजीशन, या आप समझ गए होगे, आपको लिंक तोड़ने जोड़ने आ गए होंगे ही, आपको समझ में आ गया होगी कौन सा लिंक तोड़ना होता है कौन सा जोड़ना होता है। तो मैं एक न्यू लिस्ट बनाता हूँ और फिर हम उस पर देखते हैं डिलीट फ्रॉम अ पोजीशन। तो अब हमें डिलीट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पोजीशन करना है, तो मेरे को किसी मान लेते इस पोजीशन को ही डिलीट करना है, ब्लैक वाली नोट को। तो अब आपको लिंक समझ आ रहा होगा क्या करना होगा, इस लिंक को बस यहाँ से उठाना है और इस पर जोड़ देना है। ठीक है, और ये पॉसिबल है कि एक पॉइंट को दो तीन पॉइंटर पॉइंट करें, मैंने आपको बता रखा है पहली पॉइंटर में पड़ा है। एक ही चीज़ को तीन चार चीज़ें भी पॉइंट कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये पॉइंट वैलिड है, लेकिन इसको प्रॉपरली डिलीट करना है, तो इसको यहाँ से तोड़ेंगे और इसको फिर डिलीट करा देंगे। तो ये हमें करना है, अब इसको देखते हैं कि कोड के थ्रू कैसे होगा ये। सबसे पहले हमें लूप चलाकर यहाँ तक पहुँचना है, इस तक। तो ये आप अपने आप सीख लोगे, ये आप अपने आप समझ जाओगे, क्योंकि हमने इंसर्टिंग में भी पहुँचे थे, डिलीटिंग में भी पहुँच जाओगे अब आप। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको किसी में स्टोर कराना पड़ेगा एज इट इज़ पहले की तरह। तो ये मान लेते हैं हमारा पीटीआर से हम यहाँ तक आए, तो हम कर देंगे पीटीआर टू इज गोज टू, एक पीटीआर टू ले लेंगे और इसको कर देंगे पीटीआर का नेक्स्ट। तो ये हमारा पीटीआर टू बन गया। अब पीटीआर के नेक्स्ट को उठाकर कहाँ डालना है मेरे को, पीटीआर टू के नेक्स्ट पे। ये आपको पॉइंट समझ आया, पीटीआर के नेक्स्ट को मेरे को डालना है पीटीआर टू के नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर लिखा मैंने पीटीआर का नेक्स्ट इज गोज टू पीटीआर टू का नेक्स्ट। तो ये लिंक यहाँ से स्किप होकर यहाँ आ गया। फिर पीटीआर टू को मेरे को ख़त्म करना है, तो पीटीआर टू के नेक्स्ट को पहले नल कर लो, उसके बाद पीटीआर टू को डिलीट करा दो। अगर आप इसको नल नहीं कराओगे जब भी वो सारा डिलीट हो जाना है, लेकिन फॉर द सेफर साइड हम इसको करके चलते हैं। तो ये पहले नल होगा और फिर ये पूरा डिलीट हो जाएगा और आपका नोट डिलीट हो गई। तो आपको दिख रहा होगा ऑपरेशंस एरे के मुकाबले बहुत ज़्यादा इजी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा फास्ट। चार लाइन का कोड लिखना है, बस इसको समझना पड़ता है। पॉइंटर्स की नॉलेज, अब जिसको पता ही नहीं होगा कि पॉइंटर ये इस पर पॉइंट कैसे कर रहा है, उसका एड्रेस कैसे स्टोर कर रहा है, तो उसको समझ ही नहीं आएगा। तो लिंक लिस्ट के हमने सारे ऑपरेशन कर लिए हैं, अब इनमें से कोई भी प्रोग्राम नहीं आने वाला। इसका मतलब क्या है, तो इतना हमने इतना टाइम लगा के चारों सीखे क्यों, इनमें से नहीं आएगा। इन चारों प्रोग्राम को अगर आपने सीख लिया, तो इससे आप इन्हीं प्रोग्राम को आपको स्टैक और क्यू में लगाना है, वो प्रोग्राम आपके कुछ पेपर में भी आएंगे। तो अगर आपको ये आ गए तो स्टैक क्यू आप पढ़ लोगे, तो उसमें भी आप इजीली लगा सकते हो। तो इसलिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल के आपको पूरा डिटेल में बताया, ताकि स्टैक क्यू के अंदर हम इसको इजीली कर सकते हैं।